चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में जो कब्जा कर लिया है भारत के क्षेत्र में, यह घुसपैठ और कब्जा एक बहुत ही बेहद गंभीर मामला है। केवल एक जगह घुसपैठ हुई है इतना मामला नहीं है, या किसका एरिया है क्या है इसका पता नहीं, आता पता नहीं इसलिए कोई आया है, ऐसी भी बात नहीं है। यह बेहद गंभीर मामला है और दुर्भाग्य से भारत सरकार उतनी गंभीरता से वो नहीं ले रही है। चीन की यह हरकत पहली हरकत नहीं है। अरुणाचल में, अरुणाचल पर तो वो दावा ही ठोकते हैं। अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में उन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया करके स्टेपल वीसा देने का भी काम किया, और जिस तरह से भारत के सारे पड़ोसी देशों में, यानी नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका टू एन एक्सटेंट, मालदीव, पाकिस्तान, और खास करके पाकिस्तान में जिस तरह से वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ये सारी स्थिति एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। जैसे मैंने कहा, दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस बेहद गंभीर मसले को बहुत उच्च स्तर पर, यानी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के स्तर पे इसको उठाना चाहिए, तभी जाके स्थिति फिर से वही होगी जो 15 अप्रैल के पहले थी।